यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को वो चैप्टर समझ में भी आया होगा और आपने अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 16, फ्लैग्स। फ्लैग्स क्लास क्या होता है? फ्लैग्स हम सब जानते हैं मीन्स झंडा। हर कंट्री का अपना क्या होता है? एक फ्लैग होता है। ठीक है, फ्लैग होता क्या है? इट्स अ पीस ऑफ अ क्लॉथ। वो एक कपड़ा होता है जो कि पोल में लगा होता है, वो होता है फ्लैग। फ्लैग एक तरीके से हम कह लीजिए हर कंट्री का क्या होता है? सिंबल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कंट्री उस सिंबल को देख के, उस फ्लैग को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये फ्लैग किस कंट्री का है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। Now, a flag is a piece of a cloth attached to a pole with a distinctive design. यानी कि flag क्या होता है? एक कपड़ा होता है, यानी कि piece होता है cloth का, और किससे attached होता है? Attached to a pole, एक pole से attach कर दिया जाता है उस कपड़े को, और with a distinctive design, यानी कि एक unique design के साथ उसको pole में लगा दिया जाता है उस कपड़े को। इट इज़ ए यूज एज अ सिम्बल ऑफ ए कंट्री। इसको हम एज अ सिम्बल भी यूज़ करते हैं हर कंट्री के लिए। तो एवरी कंट्री हैज़ इट्स नेशनल फ्लैग। हम सब जानते हैं कि हर कंट्री का अपना एक अलग फ्लैग होता है। अब जैसे इंडिया का फ्लैग ट्रिकलर का होता है, तीन कलर्स होते हैं उसमें, जिसे हम हिंदी में तिरंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हर एक कंट्री का अपना एक अलग फ्लैग होता है जो कि उस कंट्री का क्या होता है? सिंबल होता है। क्लियर हो गया? तो आज हम इस चैप्टर में अदर अदर कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स को देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक साइड फ्लैग बना हुआ है और मिड में आपका क्या लिखा हुआ है? कंट्री का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उन कंट्री के नेम के साथ उनका फ्लैग को मैच करना है। अब जैसे कि जो फर्स्ट वन दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लैग देखते हुए हमको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट फ्लैग किसका है। अब ये रेड है, रेड कलर का फ्लैग है, उसमें स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है, एक आपका बड़ा स्टार है, बाकी आपके छोटे छोटे स्टार्स बने हैं। तो ये किस कंट्री का फ्लैग होता है? तो ये हमारा होता है चाइना का फ्लैग होता है। तो हमको किससे मैच करना है? चाइना से इसको मैच कर देना है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड फ्लैग देखिए कुछ इस तरीके का है। तो सेकेंड फ्लैग ये किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। इट मींस ये अमेरिका का फ्लैग है। इस फ्लैग को हम जहाँ भी देखेंगे हम समझ जाते हैं कि ये अमेरिका का फ्लैग है। ठीक है, फिर नाउ द थर्ड वन, ये फ्लैग देखिए, ये फ्लैग आपका यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, तो हमें यूनाइटेड किंगडम से मैच करना है। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ आपका ये क्या है? वाइट कलर में रेड स्पॉट जैसा है, चांद सूरज जैसा बना हुआ है, तो ये किसका है? ये जापान का फ्लैग होता है। नाउ आफ्टर दैट फिफ्थ वन, हम सब जानते हैं कि ये क्या है? ये हमारी कंट्री का फ्लैग है, यानी कि हमारा भारत का फ्लैग, जिसे हम तिरंगा के नाम से जानते हैं। तो इसको हमें किससे मैच करना है? इंडिया से। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरीके से सिक्स्थ वन देखिए, ये देखिए तीन कलर में ये भी फ्लैग दिया हुआ है, ब्लू वाइट एंड रेड मैरून। तो ये किस कंट्री का है? तो ये फ्रांस का है। तो हमको इससे फ्रांस से मैच कर देना है। क्लियर हो गया? फ्लैग्स के बारे में यहाँ हो गया कन्फर्म। नाउ वन मोर थिंग इज अ फैक्ट फाइल। द नेशनल फ्लैग ऑफ नेपाल इज द वर्ल्ड्स ओनली नेशनल फ्लैग दैट इज अ ट्रायंगुलर इन अ शेप। यानी कि आप देखिए हर फ्लैग हम देख रहे हैं कैसे हैं? रेक्टेंगुलर शेप पे है ना, रेक्टेंगल में है। बट जो नेपाल का है, नेपाल का फ्लैग हम देख रहे हैं तो कैसे है? लगभग ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, पूरी कंट्री में जितने भी फ्लैग्स हैं उसमें से नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है जिसका फ्लैग कैसा दिया हुआ है? ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट, नेम द थ्री कलर्स ऑफ द इंडियन ट्रिकलर्स। हम सब जानते हैं इंडियन फ्लैग क्या है? हमारा ट्रिकलर का है, तीन रंग का है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। तो तिरंगा में कौन कौन से तीन रंग होते हैं?
तो फर्स्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, सैफ्रन होता है, फिर नेक्स्ट हमारा वाइट होता है एंड लास्ट हमारा ग्रीन होता है। तो हमको यहाँ पे उनकी स्पेलिंग को फिल करना है, एस फॉर सैफ्रन, वाइट फॉर डब्लू फॉर वाइट एंड जी फॉर ग्रीन। क्लियर है ये चैप्टर ना? तो इसको आपको बुक में कंप्लीट कर देना है। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, सन शाइन, यानी कि सूरज की चमक। ठीक है क्लास, हम सब जानते हैं कि हम लोगों को ग्रोथ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमको फूड चाहिए होता है, हमको वाटर चाहिए होता है, हमको हाउस चाहिए होता है और हमको क्लॉथ चाहिए होते हैं, कपड़े चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर हमको खाना और पानी नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं दुनिया में। ठीक है, इसी तरह हम सब जानते हैं कि प्लांट्स भी क्या हैं, लिविंग थिंग है, उनमें भी क्या होती है, जान होती है। हम सब जानते हैं कि जिनमें जान होती है, जो लिविंग थिंग होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। और वो बढ़ते कब है, जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, यानी कि उनको बढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें उनको अगर प्रॉपर वे में मिलती है तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और हरे भरे रहेंगे। तो प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो प्लांट्स हैं लिविंग थिंग और लिविंग थिंग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि वो बढ़ते हैं। और वो कब बढ़ेंगे तो वो हम सब जानते हैं। तो उनका भोजन क्या होता है, उनका खाना होता है सन, उनका भोजन क्या होता है, उनका फूड होता है सनशाइन होता है, यानी कि सूरज की रोशनी होती है, वाटर होता है, सॉइल होता है, जिनकी वजह से पेड़ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं। ठीक है, तो पेड़ों को बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वाटर, सॉइल एंड सन शाइन, यानी कि सूरज की रोशनी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर मिस हो जाएगा तो प्लांट क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मुरझा जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, सन शाइन। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्लांट्स नीड मैनी थिंग्स टू ग्रो। वन ऑफ द की नेसेसिटी फॉर अ प्लांट टू ग्रो इज सनशाइन, यानी कि प्लांट को जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको सूरज की रोशनी की। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में, प्रॉपर वे में अगर उनको सनशाइन नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, वो नहीं पनपेंगे, वो मुरझा जाएंगे। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे देखिए एक पज़ल दिया है, सॉल्व द मेज सो दैट सम ब्राइट सनशाइन रीच द प्लांट। यहाँ पे देखिए सनशाइन बना है, इधर आपका प्लांट बना है, और यहाँ पे देखिए ढेर सारे फूल भुलैया जैसे चक्र बने हुए हैं। आपको करना क्या है, इनमें से रास्ता ढूंढते हुए आपको इन प्लांट्स तक पहुँचना है। तो ठीक है, तो दिस इज़ योर होमवर्क, और आपको इसको अपनी बुक में कंप्लीट करना है, इस पजल को सॉल्व करना है। ठीक है क्लास, नाउ लेट अस फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल में क्या दिया है, अ बैम्बू प्लांट कैन ग्रो इवन विदाउट सनलाइट। बैम्बू एक प्लांट होता है जो बहुत बड़ा होता है, हम सब जानते हैं, उसकी लकड़ियाँ निकलती हैं जिसको हम फ्यूल और हम उनको फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। तो बैम्बू का जो पेड़ होता है उसको सूरज की रोशनी नहीं भी मिले तो भी वो क्या कर लेगा, ग्रो कर सकता है। ठीक है क्लास, ना अब इसमें देखते हैं, थिंक एंड आंसर। नेम वन क्लिम्बर प्लांट दैट ग्रो विदाउट डायरेक्ट सनलाइट। यू मे फाइंड दिस प्लांट इन आर हाउस। ये प्लांट आपको दिख रहा है, ये प्लांट ऐसा है, ये क्लिम्बर ट्री है। ठीक है, इसको चढ़ाते हुए हम इनको क्या करते हैं, आगे पहुंचाते जाते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इनकी ब्रांचेस क्या होती है, बहुत ही लूज होती हैं, पत्तियाँ बहुत मुलायम होती हैं इनकी डंडियाँ, और ये क्या करती हैं, एक दूसरे के सहारे से ये क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो वही क्लिम्बर ट्री होती है, प्लांट होता है। अब ये प्लांट क्लिम्बर है, ठीक है,
अब आपको पता है ये भी आपका विदाउट सनलाइट के ये प्लांट भी ग्रो कर सकता है, इसको भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई इसको लोग अपने लिविंग रूम्स में या अपने ड्राइंग रूम में इसको डेकोरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी तो जाती नहीं, फिर भी ये क्या कर सकते हैं, पनप सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा प्लांट है, तो ये प्लांट देख के हम सब बता सकते हैं कौन सा प्लांट है, मनी प्लांट इसको कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोगों को इसको अपनी बुक में फिल करना है। ओके क्लास, बाय एंड थैंक यू फॉर टुडे।